पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा जी हैं और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ 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 में प्रतिद्वंदी रहे हैं। 1991 के चुनाव में अटल जी और प्रताप भानु शर्मा साथ साथ रहे हैं और उनसे आज हम बात करते हैं कि अटल जी का जब नामांकन भरा गया था या जब चुनाव के लिए उनकी घोषणा हुई थी तब से लेकर और पूरे चुनाव के बीच में किस तरह की स्थिति रही है। हमारे लिए तो बड़े आश्चर्य की बात थी जब रात को नामांकन जिस दिन भरना था उसकी रात को राजीव गांधी जी की तरफ से फोन आया कि कल आपके यहाँ अटल जी या आडवाणी जी नामांकन पत्र भरेंगे, क्या आप अपना चुनाव क्षेत्र बदलना चाहते हैं? हमारा विदिशा ही चुनाव क्षेत्र है, यहीं से चुनाव लड़ेंगे, चाहे अटल जी आए चाहे आडवाणी जी आए, मैं अपना चुनाव लोकसभा चुनाव क्षेत्र नहीं बदलूंगा। सुबह कलेक्टर का फोन आ गया कि अटल जी आके नॉमिनेशन फाइल करेंगे, हमका आप टाइम बता दो कि हम आपस में, हमें भी उसी दिन फाइल करना था नॉमिनेशन फॉर्म। तो उन्होंने कहा वो 2:30-3 बजे करीब आएंगे, आप 1 बजे आ जाइए। हमने कोऑर्डिनेट करके हम लोग 1 बजे पहुंच गए, हमने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया, सब मीटिंग चलती रही। इसी बीच में अटल जी भोपाल में प्लेन से आए थे, उतरकर कार से विदिशा आ गए और मुझे ये जानकारी मालूम पड़ गई कि वो 1 बजे वहां से निकले हैं। हमारे कार्यकर्ता पूरे कलेक्ट्रेट प्रांगण में पहले से ही जमा हुआ था, हटने तैयार नहीं था किसी भी। हमने कहा चले आओ अपने नामांकन पत्र भरा, कहले नहीं नहीं हम अटल जी वापस जाओ फिर नारे लगा। हमने कहा बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अटल जी आए, उनका सम्मान के साथ कलेक्ट्रेट प्रांगण में प्रवेश हुआ और हमने भी उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया। तो उन्होंने कहा शर्मा जी पार्टी ने मुझे आदेश दिया इसलिए विदिशा आया हूँ, ये पंक्तियाँ मुझे आज भी याद हैं और अच्छा चुनाव लड़ेंगे। हमको जैसे आपका आ गया और बस वो अपनी जगह फॉर्म भरने चले गए, हम बाहर निकले आए, बाहर आके देखा कि उधम हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, नारेबाजी हो रही है और काफी हुड़दंग जैसा माहौल था, सबको शांत किया। हमको अटल जी आए हैं उन्हें फॉर्म भरने दो और अपन अपने जवाब चुनाव में देंगे, मतदान केंद्र पे देंगे, आप सबकी शक्ति से हम बाहर के प्रत्याशी को परास्त करेंगे। परंतु अटल जी एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, विदिशा की जनता ने उन्हें जिताया, विश्वास दिया, करीब 1 लाख वोटों से वो जीत गए थे और जीतने के बाद फिर हमारी मुलाकात संसद में हुई। कहले शर्मा जी मेरी वजह से आप हार गए। मैंने कहा हाँ हार तो गए पंडित जी। कहले नहीं मैं इस्तीफा दूंगा, तुम फिर से दोबारा चुनाव लड़ना, ये बात उन्होंने कही, वो भी मुझे याद है। तो मैंने कहा क्षेत्र में इतनी जल्दी बदलाव थोड़ी आता अटल जी। कहले नहीं ठीक है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उनके ये शब्द मुझे सुनने को मिले। प्रतिपक्ष के नेता के रूप में तो मैंने 80 से 84 को उनको सुना था संसद में, इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी, सबसे बढ़िया और प्रभावशाली भाषण प्रतिपक्ष के नेता के रूप में अटल जी का उसमें रहता था, वो हमने देखा है। और इसके बाद फिर 84 में वो हार गए थे माधवराव सिंधिया जी के सामने, ग्वालियर से चुनाव हुआ था तब। इसके बाद 91 में वो प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के रूप में लड़े थे, लोग उनमें प्रधानमंत्री की संभावनाएं देखते थे, इंदिरा जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर देते, कहते थे ये भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, इतनी प्रतिभा और इतना विश्वास हमारे देश के कांग्रेस पार्टी के नेताओं को उन पर था। और वो भी एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व है और राष्ट्रीय व्यक्तित्व होने के नाते मैं खुद मानता हूं कि आज के तारीख में ऐसे व्यक्ति को जो कि अजात शत्रु के रूप में उन्होंने भारत की राजनीति में, भारत के समाज में, भारत वर्ष में, देश में, विदेश में, सब में अपनी इमेज बनाई, उनका हम सभी लोग हृदय से आदर करते हैं। मेरी इच्छा ये थी कि वो विदिशा से त्याग पत्र न दें और एक प्रधानमंत्री के रूप में विदिशा का प्रतिनिधित्व करें जिससे विदिशा का विकास हो, विदिशा और आगे बढ़े और हम हक से मांग सके उनसे कि आप हमारे क्षेत्र से, आपकी जनता ने आपको जिताया है प्रधानमंत्री बनकर, विदिशा को और तेज गति से रफ्तार दें। पर वो नहीं हो पाई, उनने इस्तीफा दिया। फिर शिवराज जी धन्यवाद सभा 6 महीने बाद करी थी उनने, अब विदिशा के लोग नाराज हो गए थे, शिवराज जी को सभा में उन्होंने कहा कि मैं लखनऊ से ज्यादा वोटों से जीता हूँ, लखनऊ रखूंगा, विदिशा त्याग पत्र दूंगा और शिवराज सिंह चौहान यहाँ से चुनाव लड़ेंगे।